क्या आप देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। टीम इंडिया के धाकड़ बल्लेबाज रोहित शर्मा ने विंडीज के खिलाफ धमाकेदार पारी खेली है। रोहित शर्मा ने तीसरे T20 मुकाबले में विंडीज के खिलाफ 71 रनों की पारी खेली। रोहित ने महज 34 गेंदों पर 71 रन ठोक दिए। इस दौरान हिटमैन के बल्ले से 6 चौके और 5 छक्के निकले। दिलचस्प बात यह है कि रोहित शर्मा ने महज 23 गेंदों पर 50 रन ठोक दिए। इस दौरान रोहित शर्मा ने 4 चौके और 4 छक्के भी लगाए। आपको बता दें, रोहित शर्मा ने खैरी पियरे के ओवर में लगातार 2 छक्के जड़ दिए और अपना 50 पूरा किया। वेस्टइंडीज के खिलाफ अर्धशतक जड़ने के बाद रोहित ने बल्ला अपनी बीवी रितिका सजदेह और बेटी समायरा की तरफ दिखाया। रितिका भी इस मैच को देखने के लिए आई थी। अपने घर में 50 जड़कर बेटी को अर्धशतक डेडिकेट करना वाकई किसी खिलाड़ी के लिए सुखद पल है। वैसे हिटमैन रोहित शर्मा अपनी बेटी समायरा को लकी भी मानते हैं, क्योंकि उनके आने की वजह से रोहित ने मुंबई इंडियंस को ट्रॉफी जिताई थी। खैर, इस मैच से पहले रोहित का बल्ला खामोश था, मगर रोहित ने तीसरे T20 मैच में सूद समेत वसूल लिया। पहले विकेट के लिए रोहित शर्मा ने KL राहुल के साथ 135 रनों की साझेदारी की। बता दें, भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का आखिरी और निर्णायक T20 मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है। वेस्टइंडीज के कप्तान किरण पोलार्ड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है।